देखना होगा कौन सा दल चुनौतियों से उबरकर सामने आता है। बहरहाल चुनौती पपॉन के सामने है। वजह यह है कि एक नाबालिग कंटेस्टेंट को किस करने का मामला है, इसमें सिंगर पपॉन फंस गए हैं। महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मामले पर संज्ञान लिया है। वहीं कंटेस्टेंट ने पपॉन के समर्थन में बयान दिया कि पपॉन ने कुछ गलत नहीं किया। रियलिटी शो की नाबालिग कंटेस्टेंट को गलत तरीके से किस करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस बारे में मुंबई पुलिस को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अब विवाद में फंसे सिंगर पपॉन के बचाव में माइनर कंटेस्टेंट का एक वीडियो जारी किया गया है। बच्ची ने पपॉन को बेकसूर बताया है। बच्ची उसी रियलिटी शो वॉइस ऑफ इंडिया का हिस्सा है जिसमें पपॉन जज की भूमिका में है। कंटेस्टेंट ने अपना पक्ष रखा। उसने बताया कि होली सेलिब्रेशन के लिए हम सब बच्चे और पेरेंट्स पपॉन सर के पास गए थे। सब लोग मस्ती डांस कर रहे थे और फिर हम सब फेसबुक पर लाइव आए। वहाँ सब लोग देख रहे थे कि पपॉन सर ने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने मुझे बच्ची समझते हुए किस किया, जैसे कि मेरे पापा और मम्मी सब लोग मुझे ऐसे प्यार से करते हैं। आप प्लीज इसका गलत मतलब न समझिए। उधर बॉलीवुड कोरियोग्राफर फराह अली खान ने पूरे मामले पर कहा कि वो पपॉन को जानती हैं, वो एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो भी वीडियो में देखने को मिला उसने मुझे असहज कर दिया। कोई भी किसी बच्चे को इस तरह से नहीं छू सकता। वहीं रवीना टंडन ने इस घटना को घृणित और शर्मनाक बताते हुए पपॉन को अरेस्ट करने की मांग की है। उधर पपॉन से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट की वकील भुइया के पत्र NCPCR ने संज्ञान लिया है। इसमें पपॉन और चैनल को एक नोटिस भेजकर पूरे मामले में 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।